वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम लोग एनालॉगी पढ़ रहे हैं और एनालॉगी पे हमने अभी तक दो पार्ट किए हैं दिस इज़ पार्ट थ्री आज का जो हमारा पार्ट थ्री है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चाहे वो वर्ड एनालॉगी है अल्फाबेट एनालॉगी है नंबर एनालॉगी है वेदर इट इज़ मिक्सड एनालॉगी तो सबसे पहले वर्ड एनालॉगी से हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे फिर इसी तरह से हम नंबर एनालॉगी से लेंगे या अल्फ़ाबेट एनालॉगी से लेंगे फिर मिक्स्ड एनालॉगी यानि जितनी भी टाइप्स हमारे पास एनालॉगी की हैं जितनी हमने पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़े हैं उनको आज पार्ट थ्री में उनकी हम एग्जाम्पल्स करेंगे और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इट इज़ हांगकांग चाइना एक तरफ से हांगकांग एक तरफ से चाइना ठीक है इसी तरह आगे हमारे पास है वेटिकन और आगे जो है वो हमें खुद बढ़ना है ठीक है आप लोग जानते हो हमने इन दोनों में रिलेशन देखना है आपस में क्या है उसी रिलेशन के बेसिस पे हमें यहाँ अगला जो वर्ड होगा वो ढूंढना है हांगकांग आप जानते हो होंगकॉन्ग ये देखो एना लागी में आप लोगों ने बहुत सारा नॉलेज भी रखना है कुछ चीज़ों का जैसे हमारे पास कंट्री कैपिटल का है या स्टेट कंट्री का है या कंट्री करेंसी का है इस तरह के बहुत सारे रिलेशनस या हमारा जैसे साइंस में होता है यूनिट्स टेम्परेचर का यूनिट क्या है प्रेशर का यूनिट क्या है फोर्स का यूनिट क्या है ठीक है तो इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए जब आप लोग एनालॉगी करोगे तो इसके लिए नॉलेज भी आपको चाहिए नॉलेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एनालॉगी में खास कर उसके बाद आपकी रीजनिंग स्किल भी और आपके थिंकिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए जो विद द प्रैक्टिस अच्छे हो जाएंगे तो हांगकांग क्या है इट इज़ ए सिटी इन चाइना ठीक है हांगकांग जो है वो सिटी है और कहाँ पे है चाइना में इसी तरह हमारे पास वेटिकन सिटी है लेकिन है कहाँ पे? तो हमारे पास वेटिकन सिटी जो है वो कहाँ पे है क्या फ्रांस में है मैक्सिको में है कनाडा में है या रोम में है दो वेटिकन सिटी इज इन रोम तो यहाँ पे क्या था सिटी और किस देश में है ठीक है ये वाला रिलेशन इसी तरह वेटिकन सिटी इज इन रोम सो दो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ रोम उसके बाद है मैगज़ीन जो हमारे पास होती है ठीक है आगे है एडिटर और ड्रामे का क्या आएगा मैगज़ीन का क्या होता है जो आप लोग मैगज़ीन पढ़ते हो उसका क्या होता है हमारे पास एडिटर इसी तरह ड्रामे का क्या होता है जो हम लोग ड्रामा वगैरह देखते हैं उसका क्या होता है क्या डायरेक्टर होता है प्लेयर होता है मैनेजर होता है या एक्टर होता है करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डायरेक्टर ठीक है इसके बाद हमारे पास है किंग थ्रोन राइडर के आगे खाली है किंग थ्रोन किंग होता है बादशाह और जहां पे वो बैठता है गद्दी के ऊपर डेट इज नोन एज थ्रोन इसी तरह हमारे पास राइडर जो है वो किस पे बैठता है किंग अगर थ्रोन पे बैठता है तो राइडर किस पे बैठता है अरे कोई चीज चलाता है ठीक है वो किस पे बैठता है क्या वो चेयर पे बैठता है हॉर्स पे सीट पे या सेडल पे तो जो राइटर होता है हमारे पास वो किस पे बैठता है ऑन द सीट उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा मोनी मोनी का क्या लिखा गया है आगे वर्ड मोनी के आगे लिखा गया है मिस अप्रोप्रिएशन इसी तरह राइटिंग में क्या आएगा फिर पहले हम देखेंगे मनी और मिस अप्रोप्रिएशन का रिलेशन क्या है जैसे मनी आप जानते हो पैसा होता है मिसऐप्रोप्रिएशन होता है गलत इस्तेमाल करना पैसा कहीं इस्तेमाल करना था लेकिन कहीं और इस्तेमाल किया गलत तरीके से इस्तेमाल किया ठीक है मनी और मिसऐप्रोप्रिएशन के बीच वाला जो रिलेशन है उसी तरह का रिलेशन हमने राइटिंग में देखना है राइटिंग का गलत इस्तेमाल यानी किसी की राइटिंग चुरा के लेना ठीक है किसी ने कोई थाट देना है उसका कहना है कि ये मेरा है उसको क्या कहते हैं डैट इज़ नोन एज क्या डिश्शन कहते हैं मिस्टेक कहते हैं प्लेगरिज्म कहते हैं सो द आंसर विल बी प्लेगरिज्म डैट इज पार्ट सी यानी राइटिंग में जो जो होता है अगर किसी की राइटिंग को हम किसी ने कोई थाट दिया है किसी ने कोई आइडिया दिया है किसी ने कोई बात बोली है किसी ने कोई कंसेप्ट दिया हम कह रहे हैं कि ये हमारा अपना कंसेप्ट है ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है हाइव बी आयरी हाइव होता है घर किसका घर जहाँ पे हनी बी रहती है ठीक है जिसमें और जिसको वो जो शहद का छत्ता होता है जिसमें माखियाँ रहती है ठीक है एक तरफ है घर और आगे है किसका घर जैसे बी का घर है हाइव इसी तरह आयरी जो है वो किसका है, सीधे ऑप्शन पे ऑलरेडी मार्क हो गया है डेट इज इकन अगला क्वेश्चन हमारा है प्लेजर और आगे है सारो इसी तरह आगे राइट है तो राइट के आगे क्या आएगा हम प्लेजर और सारो के बीच में देखते हैं क्या रिलेशन प्लेजर होता है खुशी सारो क्या होता है दुख यानी दीज आर एंटोनियम्स यानी अपोजिट वर्ड से हैं, जिद इसी तरह राइट का एंटोनियम जो होगा राइट का एंटोनियम क्या होगा रॉन्ग यस अगला क्वेश्चन हमारा है नाइटिंगल एंगल वार्बल आगे है फ्रॉग और आगे है खाली हमने यहाँ पे देखना है नाइट एंगल क्या करता है कौन सी आवाज निकालता है उसको क्या कहते हैं वार्बल सोंड जो निकालता है इसी तरह फ्रॉग क्या करता है क्रोक फ्रॉग जो आवाज निकालता है डेट इज नोन एज क्रोक ठीक है जो सोंड निकालता है यहाँ पे हमारे पास वर्ड एनालॉजी का आखिरी क्वेश्चन है सितार का क्या है गिटार टनपोरा का क्या आएगा सितार और गिटार जो है दीज आर बहुत स्टरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसमें सिटरिंग आएगी सिटरिंग इनस्ट्रूमेंट है टनपोरा ये भी स्टरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसके बाद यहां भी ये चार ऑप्शन है इनमें इन से भी हमने देखना है स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है डेट इज सिंपल तो so स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास इट इज़ वायलन क्या है इट इज़ वायलन तो हमारे पास वर्ड एनालॉगी के कुछ क्वेश्चंस थे ये हमारे पास हो गए और जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो अल्फ़ाबेट एनालॉगी से हैं आइए थोड़ा सा इनको सॉल्व करते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है इन द इंग्लिश अल्फाबेट बी डी जी इज टू सी एफ जी इन द सेम वे एज ई जी जे इज टू सवाल है बी डी जी और सी एफ जी के बीच में क्या रिलेशन है जिस तरह इन दो के बीच में रिलेशन है वही रिलेशन इस ई जी जे का इन में से चार में से किसी के साथ सकता है हमारे पास जो बी है पहला अल्फाबेट है यहाँ पे, और यहाँ पे पहला क्या है सी यानी हमने यहाँ बी को प्लस वन किया यानी हम एक स्टेप फारवर्ड डायरेक्शन में गए इसी तरह यहाँ दूसरा अल्फ़ाबेट डी है तो यहाँ दूसरा अल्फाबेट एफ है तो इसका मतलब कितने स्टेप आगे गए हैं डी की पोजीशन चार और एफ की पोजीशन सिक्स यानी दो स्टेप आगे गए हैं इसी तरह यहाँ पे जी है और यहाँ पे जे है अगर जी की पोजीशन देखी जाए इट इज सेवन और जे की पोजीशन अगर देखी जाए इट इज टेन तो सेवन प्लस थ्री यानी तीन स्टेप हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए तो क्या यहाँ पे रिलेशन बना पहले डिजिट की जगह जो हमने यहाँ पे पहला डिजिट पहला अल्फाबेट लिखा एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ दूसरा अल्फाबेट यहाँ दूसरा अल्फाबेट क्या रिलेशन है दो स्टेप आगे बढ़ना है यहाँ तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ तीसरा अल्फ़ाबेट कितने स्टेप आगे बढ़ना है वो हमने खुद देखा पोजिशन हमारे पास थी इन द सिमिलर केस वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे ठीक है यहाँ पर ई से एक स्टेप आगे बढ़ना है तो पहुँच जाएंगे एफ़ जी से दो स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आई जे से तीन स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे एम सो एफ आई एम इज़ दैक्ट ऑप्शन इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वैसे ही रिलेशन ढूंढना है हमें इस इनमें से अल्फ़ाबेट अनालागी जब भी हम लोगों ने सॉल्व करनी है तो हमने पोजिशन अल्फाबेट्स की जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने पोजिशन अल्फाबेट्स की याद रखनी है वहीं पे फारवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है बस डेट इज़ इट यहाँ पे अगर देखा जाए पहला अल्फाबेट बी है और यहाँ पे जो है इट इज ई कैसे बी से ई पहुंचा जाए बी की पोजीशन दो है और ई की पोजीशन जो है वो है फाइव तो कितने स्टेप आगे गया प्लस थ्री एफ से आई अगर एफ की पोजीशन देखी जाए इट इज सिक्स और आई की पोजीशन देखी जाए इट इज नाइन तो फिर से कितने स्टेप थ्री स्टेप जी की पोजीशन सेवन जे की पोजीशन टेन फिर से कितने स्टेप प्लस थ्री यानी तीन स्टेप आगे जाना है हर केस में वही रिलेशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो इस केस में आर वी डब्ल्यू तीन स्टेप आगे जाओ तो ये क्या कहाँ पहुँचोगे यू वी से तीन पोजीशन आगे डब्ल्यू एक्स वाई ठीक है डब्ल्यू से तीन पोजीशन आगे एक्स वाई जेड तो ये बना हमारे पास ऑप्शन डेट इज यू वाई जेड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इसी तरह हमारा जो अगला क्वेश्चन है एम आई के ई जी एम सी इनके बीच में रिलेशन देखना है एम से ओ पहुंचेंगे आगे जाना है कि पीछे जाना है कितने स्टेप जाना है वही रिलेशन हमने यहां पे अप्लाई करना है एंड वी विल फाइंड द आंसर इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं ठीक है तो ये हो गया हमारे पास अल्फाबेट एनालॉगी जिसके हमने दो क्वेश्चन किए और आप दो की जगह सौ क्वेश्चन करें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट अब हम नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन लेते हैं जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सिक्सटी थ्री ट्वेंटी वन यहाँ ट्वेंटी सेवन के आगे क्या आएगा क्या सिक्स आएगा नाइन आएगा वन आएगा थ्री आएगा वो डिपेंड करेगा इन दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है जैसे सिक्सटी थ्री और ट्वेंटी वन है इसमें अलग तरीका आपका भी हो सकता है जैसे यहाँ पे सिक्सटी थ्री है अगर सिक्सटी थ्री को डिवाइड करेंगे ट्वेंटी वन से द आंसर विल बी थ्री इसी तरह ट्वेंटी सेवन को किससे डिवाइड करें तो आंसर थ्री आना चाहिए तो ऑब्वियसली इट इज पार्ट बी डेट इज नाइन यहां पे सिक्सटी थ्री को इक्कीस से डिवाइड किया जवाब आया थ्री बताओ ट्वेंटी सेवन को किससे डिवाइड करें तो जवाब आ, आएगा थ्री तो वह हमने क्या लिया डेट इज नाइन ठीक है यहां भी वही जवाब यहां भी वही जवाब अगला क्वेश्चन देखिए सेवन और ट्वेंटी फोर के बीच में वही रिलेशन है जो इनमें से किसी पेयर के बीच में होगा यहाँ पे दो नंबर सेवन और ट्वेंटी फोर अरे है क्या रिलेशन क्या सेवन का टेबल पढ़ के ट्वेंटी फोर आता है नहीं देन वाट विल वी डू सेवन इंटू थ्री प्लस थ्री आएगा ट्वेंटी फोर इसी तरह अब यहाँ पे देखो थर्टी इंटू थ्री होता है नाइन्टी नाइन्टी प्लस थ्री करेंगे तो इट विल बी नाइन्टी थ्री ट्वेंटी थ्रे थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री किसके बराबर होगा ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन प्लस थ्री कितना होता है सेवेंटी टू यस यानी वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर विद थ्री देन एडिंग थ्री ये है रिलेशन सेम केस ऐसा ही होगा ये पार्ट नहीं आएगा सी पार्ट नहीं आएगा डी पार्ट नहीं आएगा द आंसर विल बी पार्ट बी अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्वेंटी फाइव और सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के बीच का रिलेशन इसी तरह थर्टी फाइव के आगे कौन सा नंबर आएगा हो? वो ये रिलेशन जो यहाँ पे है जो एनालॉगी यहाँ जो रिलेशन यहाँ पे है वही रिलेशन वही रिलेशन इन दो नंबर्स के बीच में भी होगी लेकिन अगला नंबर हम खुद ढूंढेंगे ट्वेंटी फाइव का सुकेयर होता है सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव इसी तरह थर्टी फाइव का जो स्क्केर होगा वो किसके बराबर होता है थर्टी फाइव का स्क्यर जब हम थर्टी फाइव का स्क्केर करेंगे वो किसके बराबर आता है वन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव तो यहां पे व्हाट इज द रिलेशन यहाँ पे नंबर का नंबर है और आगे उसका स्क्वायर है नंबर है आगे उसका स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर क्या होगा आपके पास इट वन थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव तो चलिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन है नंबर एनालॉगी में आप खुद कीजिए अब हम थोड़ा मिक्स्ड एनालॉगी से कुछ एक दो क्वेश्चन लेंगे उनको भी प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे पास मिक्स्ड एनालॉगी का पहला क्वेश्चन है ग्रेट आगे लिखा है ट्वेंटी फाइव दिस इज एवर्ड आर यू कैन सी दिस इज ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स तो नंबर के आगे क्या आएगा फिर बताओ अगर ग्रेड में देखू इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव अल्फाबेट्स हैं फाइव का स्क्यर किसके बराबर आता है ट्वेंटी फाइव नंबर के केस में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स अल्फ़ाबेट हैं तो सिक्स का स्क्यर करेंगे थर्टी सिक्स क्या हमारे पास थर्टी ऑप्शन हैं यस इट इज पार्ट वन जितना आप सोचोगे जितना आपके पास नॉलेज होगा इस केस में आई एम टॉकिंग अबाउट अनालॉगी इसमें नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए स्केयर कैसे निकाला जाता है स्केयर रूट कैसे निकाला जाता है क्यूब कैसे निकाला जाता है क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है ठीक है।, है तो आगे बढ़ते हैं बीच में ये अल्फ़ाबेट अनालॉगी है यहाँ पे हम देखते हैं टू हंड्रेड सिक्सटीन के बीच में क्या रिलेशन है देखो एफ की पोजीशन क्या है हमारे पास सिक्स ये टू सिक्सटीन कैसे बनेगा ये याद रखना सिक्स का क्यूब होता है टू हंड्रेड सिक्सटीन इसी तरह एल की पोजीशन क्या है एल की पोजीशन है ट्वेल्व अरे यहाँ अगर क्यूब करके 216 आया तो यहाँ पे भी तो वही रिलेशन लगानी तभी तो एन आगे मानी जाएगी 12 का क्यूब हमारे पास आता है 1728 तो आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा लेकिन लेक्चर समझ आया होगा जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो